up till now, we have studied different properties and requirements, etc., of the alloys which are used for restorations, like temporary to nahi hum keh sakte, permanent restorations, or permanent restorations mein fixed and removable. So noble alloys को अगर मेटल बॉन्डेड सिरामिक रेस्टोरेशन में हम करें तो इसमें कॉमनली हमारे जो है वो कहते हैं प्रीशियस मेटल्स जो है इनको यूज किया जाता है. आजकल नहीं हो रहा, लेकिन ओरिजिनली प्रीशियस मेटल्स को ही यूज करना चाहिए. क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि इनके अंदर चार अच्छी, जिसको कहते हैं ना, प्रॉपर्टीज, वो इसके अंदर पाई जाती हैं. अदर रिक्वायरमेंट्स वो सेम है, वो हर एक अलाय के लिए होती हैं, ठीक है जी, जो के हम इनके लिए यूज करते हैं. तो एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है उसमें ये चार, ये जेन में रखी गई, ये चार ही लिखने से आपका अच्छा खासा, ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो ये आप लिख सकते हैं कि ये होनी चाहिए प्रॉपर्टीज. नंबर वन इज द थर्मल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ द सिरामिक. सिरामिक को हम फायर कर रहे हैं तो वो थर्मली स्टेबल हो. ये ना हो कि इधर सिरामिक हमारी फायर करें और उधर हमारी जो पीछे जो गोल्ड है या गोल्ड अलाया वो फ्लो कर जाए. तो सिरामिक ने किस जगह पे टिकना है, ठीक है जी. तो ये रिक्वायरमेंट मस्ट हमें अचीव होनी चाहिए. बॉन्डिंग टू द सिरामिक, सिरामिक के साथ उसको बॉन्ड भी होना चाहिए. सिरामिक आप पढ़ चुके हैं, आप लोगों को मैडम हिना ने पढ़ाई हुई है, जेन में रखें, याद है जी. सर सिरामिक तो नहीं पढ़ाई में. ये क्या था, वो जो पोर्सलीन सिरामिक ही है ना, और क्या, जिसमें आप लोगों का क्विज भी एक हो गया था, याद है वो जी. ये क्या, ये सर इतना वाला? सर याद है बस, सर इतना चैप्टर है सर, जेन से वो भूल जाते हैं. बेटा एग्जाम के अंदर ये सारे चैप्टर आपको याद होंगे, होने चाहिए. और एक चीज ये भी ध्यान में रखो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप पेशेंट के ऊपर काम कर रहे होगे तो आप उस वक्त ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जी इतने चैप्टर हमने पढ़े थे, उसमें से ये जो आपकी जो बीमारी है ये हमारे ध्यान से निकल गई है. सॉरी है, तो वो फिर मसला जो होगा ना, वो फिर हालात खराब होंगे. यस सर. तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है और हर वक्त रखना है. तो मैं इसीलिए इनको लिंक करने की कोशिश करता हूँ कि जो चैप्टर पढ़ाऊं उसको साथ वाले के साथ, पिछले वालों के साथ लिंक करता जाऊं, ताकि आप लोगों के जेहन से ये तब्दीली का कीड़ा भी निकल जाए कि जी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, इसका तो हमारे साथ कोई काम ही नहीं है. तो आपका इनके साथ काम है और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी. सिरामिक के साथ इसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए. कंपेटिबिलिटी विद द सिरामिक, ये भी कंपेटिबिलिटी क्या हो सकती है, ये ना हो कि सिरामिक जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सेकंड चैप्टर में हम फिर चले जाते हैं, उसका ज्यादा हो और जो मेटल आपने अलायज नीचे यूज किए हैं वो उनका कम हो, तो मिसमैच हो जाएगा. उसके नतीजे में मिसमैच जहां पे भी होगा क्या होगा, फेलुअर हो जाएगा. और फोर्थ क्या है, इट शुड प्रोवाइड A rigid support for the ceramics. क्योंकि अगर सिरामिक को rigid support नहीं मिलेगी तो हमने sag पढ़ा था इसी chapter में, तो phenomena of sag will occur. उसके बाद आ जाती है जी biocompatibility. इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हो चुकी है, फिर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, न्यू कमर्स भी थोड़े से खुश हो जाएंगे. अफरीदी साहब अभी उठ के आ रहे हैं, अब्दुल्ला अफरीदी साहब वेलकम करते हैं उनको. सर ये भी मौजूद था. अच्छा, तो ये क्या करते रहते हैं? चले, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस अलॉयज, इनको क्या कहते हैं जी, कि इनकी बायो कंपेटिबिलिटी क्या होगी जी, गुड होगी. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो हैं हाई पैलेडियम कंटेंट अलॉयज के साथ जो हैं वो भी आई हैं कि जी ये मसाइल कर रहे हैं एलर्जी वगैरह के. तो